साथियों, ये है वाटर सिस्टम और हमारे अन्वेषक कृषि साथी, उनसे बात करते हैं। सर, बताएंगे किस तरीके से इसका संचालन किया जाता है, प्रयोग कैसे करते हैं। जी सर, ये ड्रिप इरिगेशन है जो इसराइल से उत्पन्न हुई थी, इसराइल ने स्टार्ट किया था। ये ड्रिप इरिगेशन का सबसे मेन फ़ायदा ये है कि इससे 60% से ज़्यादा जल बचत होता है और 60% से ज़्यादा जल की बचत होती है। पौधे को जितना ज़रूरत होता है उतना ही पौधा ड्रिप के जरिए कंटिन्यू 1x1 मिलता रहता है। इसमें वेस्टेज पानी बेकार नहीं जाया जाता, वेस्ट नहीं होता है। तो ये यहाँ लगा हुआ है और पौधों को बहुत अच्छे से इसकी ये पूरा प्लांट लगा हुआ है यहाँ। ये वेंचुरी है, इसी से हमें पड़ती देनी पड़ती है, तो ड्रम में बहुत जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, अलग से जाके खेत में नहीं लगानी पड़ती। जी जी जी, वेरी नाइस। ये टैंक बना रखा है पानी सप्लाई के लिए। अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है, कि पंप भर रहे हैं, कंदू बुला दे रहे हैं और जा रहे हैं छिड़काव करने, वो समय बचत होती है हमारी। कह सकते हैं जो हमारा कृषि प्रधान देश है, वो तकनीकी द्वारा कृषि को आगे बढ़ा रहा है। और मुझे लगता है फिर से कृषि के क्षेत्र में शुरुआत हो चुकी है विश्व गुरु बनने की। 2003 के अंदर हमने ये ज़मीन लेके डाल दी। अच्छा अच्छा। 2019 से मैंने ये ड्रैगन फ्रूट का शुरू किया है जी। तो शुरू में 500 पोल इधर लगाए थे, ये गुजरात से लाए थे हम इसकी। अच्छा अच्छा। पौध जो है उसके बाद 6 महीने बाद फिर ये किसी ने बताया कि हैदराबाद में अच्छी वो मिलती है, कोई ड्रैगन एग्जोटिक करके है जी, डॉक्टर श्रीनिवासन, ये उसकी ब्रीड है इस साइड। अच्छा, इस साइड में। ओके ओके ओके। ये हैदराबाद की ब्रीड है। ये हैदराबाद और ये इधर गुजरात, ये गुजरात की है। तो साथी देखा, इधर हैदराबाद की ब्रीड है और इधर गुजरात की है। और सर, गुजरात और हैदराबाद जाकर वहाँ के विशेषज्ञों से, मतलब वहाँ पर जो केंद्र है इसका, जहाँ पर सिखाया जाता है, ट्रेनिंग किया जाता है या जहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, तो दोनों जगह वहाँ मौजूद गए और वहाँ से जाके पूरी जानकारी लेकर और सीख कर, मतलब ट्रेंड होकर यहाँ पर इन्होंने, मतलब तकनीकी सीख कर, बेसिकली नॉलेज तो थी सर, कृषि से संबंधित रहे हैं, तो फिर आपने कैसे इसका, उसके बाद दिल में था कि कुछ नया करें। जी जी जी। तो ये हमने शुरू किया, तो ये लगाया। उसके बाद हमने ये एक पोल पे 4 पौध लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसको फिर जैसे जैसे बढ़ता रहता है, इसको बांध के ना, उसके बाद ऊपर की जो इसको छतरी सी लगती है, इसके इस पे से निकाल देते हैं। जी जी जी। इसका जो फल जो है, इसकी एक्टिविटी शुरू होती है बरसात, पहली मानसून जो बरसात होती है जी, उसमें इसकी बड़ निकलनी शुरू होती है जी, जी। फिर फ्लावर बनता है, फ्लावर बनने के 1 महीने बाद फल तैयार होता है। अच्छा अच्छा। ये बरसात के में ही शुरू होती है और 2-3 महीने चलती है। इसमें 6-7 साइकिल में फल आता रहता है, कभी कहीं किसी ब्राल पे, कभी किसी। अच्छा अच्छा। लगभग 6-7 महीने तक इसका, 3-4 महीने तक इसकी जो फसल चलती रहती है। तो इसका आप कहाँ, इसको किस मंडी में? नहीं, अभी तो प्रोडक्शन इतना नहीं निकला। अच्छा, क्योंकि यहाँ का वातावरण इसको मेरे ख्याल में सूट नहीं करता, थोड़ा सा भी सूट नहीं करता। अब देखेंगे जी, अभी जी, तो पीछे 8-10 क्विंटल कुल निकला है। तो हमारा यही लोकल उझानी जो कस्बा है, हाँ जी, हाँ जी, उसके अंदर ही बिक गया था। यहीं से ले जाते हैं बारम, आपको जाना नहीं पड़ता, मतलब। हाँ हाँ, इसकी बहुत अच्छी इम्यूनिटी बढ़ाता है और डेंगू में बहुत काम आता है, प्लेटलेट बढ़ाता है जी जी। और एक वाइट वेराइटी है, वो शुगर के पेशेंट को ठीक। आपके पास दोनों वेराइटी? हाँ, दोनों वेराइटी, एक अंदर रेड पल्प है, एक वाइट पल्प। वेरी नाइस। तो हमारे किसान भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, इसके द्वारा वो कैसे, क्या परिवर्तन देश के लिए क्या योगदान कर सकते हैं जैविक खेती में? देखो, जैविक खेती में ये है कि थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद सस्ती भी पड़ती है जी जी जी, और फिर अच्छा लगता है, स्वास्थ्य के लिए कोई बुरा इफेक्ट नहीं है जी जी जी। जैसे एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाई या आयुर्वेदिक में जो फ़र्क है, वही फ़र्क इसमें है जैविक में और केमिकल खेती। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, उसके बाद ये है आदमी फायदेमंद सौदा है। और अपनी जो गाय भैंस पुरानी परंपरा छूट गई हैं, अगर जैविक खेती करने लोगे तो उसकी जैविक जितना भी गोधन अब घूम रहा है, तो उसकी गौमूत्र की जरूरत पड़ती है, तो वो उसकी भी देखभाल हो जाएगी जी जी जी। तो जैविक खेती के बहुत फायदे हैं। जैसा कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि सबको एक एक गाय पालना चाहिए, और कुछ योजनाएं भी शायद सर यूपी में शुरू होने वाली हैं कि एक किसान को एक गाय दी जाएगी और वो उनको पालेगा, गौधन प्राप्त करेगा उसका,
और अपना योगदान देगा जैविक खेती हो या शुद्ध कह सकते हैं उसका गोधन शुद्ध प्राप्त करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा, जो इस तरह से आवारा पशु घूम रहे हैं उनका समायोजन अच्छे तरीके से हो जाएगा, क्योंकि गौ माता है, हम लोग उसकी सेवा सभी लोग करते हैं, सब लोग सम्मान देते हैं, और ऐसे जब घूमते फिरते हैं उनको कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, कई एक्सीडेंट में चल, तो थोड़ा दुख होता है, लेकिन दुख होने के बाद हम भूल जाते हैं। मतलब ये कर्तव्य हमारा ये है, हम क्योंकि भारत की संस्कृति पूरी विश्व के लिए एक संदेश देती है कि हम जीवों पर दया और अपनी अपनी प्राचीन जो परंपरा है, संस्कृति है, चाहे वो किसी भी पद्धति के द्वारा किसी भी तरीके से, उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा समय तक अपना प्रभाव रखना है या कुछ अलग करना है, पूरी दुनिया को संदेश देना है, जैसा सर ने कहा कि हाँ इसका थोड़ा सा समय लगता है, धैर्य रखने की चीज़ है, तो आप मान के चलिए कि आयुर्वेदिक में तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है ना, और उसका असर भी फिर उसी तरीके से होगा। यानी जड़ से अगर बीमारी ख़त्म करना है तो हमें आयुर्वेद की तरफ जाना है, और हमें अपने सारी बीमारियों को कम करना है इस देश से। जैसे भयंकर भयंकर बीमारियां, कोरोना कोविड है सबसे ज़्यादा, उसके बाद कैंसर के भयंकर भयंकर ऐसे केसेस हैं, उनको अगर समाप्त करना है तो इसको अपनाना पड़ेगा। सर आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे, ये हमारे कोरोना जैसे इस समय सबसे ज़्यादा भयंकर बीमारी है, या कह सकते हैं डेंगू बहुत जल्दी हो रहा है अब छोटे छोटे बच्चों में, एक बार डेंगू हो जाता है मुझे लगता है पूरा शरीर जो है बॉडी, मुझे लगता है कि फिर काम करना वो बंद, तो इसके लिए क्या ये रामबाण का काम करेंगे ये फल? जी सर जी, मेन इस जो ड्रैगन फ्रूट है ये बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है जी, और जब मनुष्य की बॉडी की इम्यूनिटी बेहतर होगी जी तो ऑटोमेटिकली हम रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगी। तो जो ड्रैगन फ्रूट लगाया है ये बॉडी में इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी करता है जी, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करने से भी बॉडी में रोग कम आएंगे, इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी, जब रोग कम आएंगे तो इंसान ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेगा और आगे बढ़ेगा, बीमारियां कम लगेंगी, रोगों से लड़ने की क्षमता बॉडी के अंदर ज़्यादा होगी। तो मेरा तो यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑर्गेनिक यूज़ कीजिए, खेती कीजिए ऑर्गेनिक, और अच्छी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, खाइए, और जिससे बॉडी की इम्यूनिटी पावर बेहतर हो, जो बीमारियों से लड़ने के लिए ज़्यादा बेहतर है। सर आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्या बच्चे इसको, जैसे आप पढ़ाते हो कितना इंटरेस्ट लेते हैं, और मतलब इसी ये दिख रहा है कि अगर बच्चे इसको देखते होंगे कि आप प्रेजेंटली वहाँ जाकर बता रहे हैं उसको, उसके बाद पूरा वर्णन वो करते हैं कि आज हम सर के साथ वहाँ गए, हमने इस कृषि विज्ञान के तहत ये पढ़ा, तो कैसे इंटरेस्ट माँ बाप ले रहे हैं आपको, कैसे क्या? अब थोड़ा गाँव में तो बच्चे तो इंटरेस्ट लेंगे, माँ बाप नहीं लेते ज़्यादा, वो अपने पुराने इसमें चलते हैं। अच्छा अच्छा, मैं जी गाँव में जानवर है नहीं, हाँ जी तो ज़मीनें नहीं है लोगों पे ज़्यादा, लोग नहीं कर पाते हैं, बच्चा तो इंटरेस्ट लेगा, होता आगे चल के वो बड़ा नहीं, हो आने जो भविष्य तैयार हो रहा है, हाँ, वो मुझे आगे बढ़ेगा, वो बढ़ेगा बढ़ेगा, माँ बाप पुराने ख्याल रखते हैं, मतलब हमारा जो उद्देश्य है बच्चों को करना है जी जी, हाँ जो माँ बाप ने किया वो किया, जो हमारा भाग्य, क्योंकि सरकारी नौकरी सभी को नहीं मिल सकती, किसी भी देश में 2.5 से ज़्यादा नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं, तो ऐसे में हमको हमको खुद अपना कुछ बच्चे करते हैं, पौधे लगाते हैं, वो अपना छोटा सा खेत बना लेते हैं, मान लिया किसी पे एक बीघा उसने छोटा सा क्यारी टाइप बना लिया, वो उसमें प्रैक्टिकल करते हैं, मान लिया किसी ने आलू हुआ है, उन्होंने थोड़ा सा खाद बनाया, अपने आलू बो दिया और दिखा दिया पापा देखो इतना अच्छा हुआ है, अब गेहूं है किसी ने छोटा सा बना लिया, बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं अपने, मतलब सर देखिए जो हम सिखा रहे हैं बच्चा प्रैक्टिकल करता है, सर ने बताया कि ये सिखाते हैं और बच्चे वहाँ जाकर अपना एक छोटी सी क्यारी बना के प्रैक्टिकल करते हैं, पापा को दिखाएं देखिए हमने किया है, आपने किया, हमने तकनीकी द्वारा किया है, आपने पुरानी परंपरा के द्वारा कर रहे हैं तो हमारे में क्या बदलाव आया, यानी कि बच्चे क्रिएटिविटी कर रहे हैं, और आगे आने वाले भविष्य जो है कृषि प्रधान देश था, अब तकनीकी से पूरा परिपूर्ण होगा मुझे लगता है देश हमारा भारत, और जैविक खेती को मुझे लगता है ये क्रांति कह सकते हैं, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब हज़ारों तरह की पेस्टिसाइड यूज हो रही हों और उससे भयंकर भयंकर तरीके के जो रोग हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं, उस बीच ये क्रांति जो है मुझे लगता है एक अलग तरफ ओर ले जाएगी, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा संदेश होगा पूरे विश्व के लिए भारत के। स्वदेशी अपनाओ, जैविक खेती लगाओ। साथियों आपने देखा आज के इस ब्लॉग में जो कि पार्ट टू था कि कृषि में हमें किस तरीके से टपक विधि का प्रयोग करते हुए उन फसलों को करना चाहिए जो कि पानी की अत्यधिक बचत करती हैं। तो पार्ट थर्ड में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, अनुदेशक कृषि साथियों के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।